हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फोरम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग के बारे में कि इसका काउंसलिंग लिस्ट कब आएगा। ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है। इसमें देखिए क्या दिया गया है। दिया गया है कि बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग जल्द कराने की मांग, जाने कितने अभ्यर्थी को मिलेगा मौका। इसमें देखिए नीचे में और दिया गया है कि बिहार एसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का परिणाम 7 साल बाद भी फाइनल नहीं होने से अभ्यर्थी में आक्रोश है। छात्रों ने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 13,120 पदों के लिए जल्द काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने की मांग की है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ से देखिए कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का परिणाम 7 साल बाद भी फाइनल नहीं होने से अभ्यर्थी में आक्रोश है। छात्रों ने प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के 13,120 पदों के लिए जल्द काउंसलिंग के लिए सूची जारी करने की मांग की है। बताया जाता है कि आयोग की ओर से काउंसलिंग में सीट से 10% अधिक अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाने की तैयारी की जा रही है। मतलब 10% अधिक सीट से 10% अधिक काउंसलिंग के लिए बुलाई जा रही है। इसे दैनिक जागरण में दिया गया है। उसके बाद दिया गया इससे अभ्यर्थी में आक्रोश और बढ़ गया है। देखिए अभ्यर्थी का कहना है कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के आवेदन को लेकर वर्ष 2016 में हाईकोर्ट के निर्देश पर दोबारा आवेदन के लिए पोर्टल खोला गया था। इसमें काफ़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी ने आवेदन किया है जो इसके लिए योग्यता नहीं रखते थे। अब वह पीटी व मेंस परीक्षा में पास हो चुके हैं। यदि काउंसलिंग में उनकी छटनी की जाती है तो काफ़ी संख्या में पद खाली रह जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए सीट से कम 2.5 गुना अधिक अभ्यर्थी को काउंसलिंग में मौका मिलना चाहिए, यह अभ्यर्थी का कहना है। क्योंकि 2016 वाले ने बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है जो अयोग्य है। बताया गया है, देखिए बता दें कि वर्ष 2014 में से ही प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए प्रक्रिया की जा रही है। आयोग ने प्रश्न पत्र लीक के बाद एक बार फिर पीटी परीक्षा, देखिए पीटी परीक्षा रद्द कर वर्ष 2018 में दोबारा पीटी परीक्षा ली। वर्ष 2020 में पटना उच्च न्यायालय ने के निर्देश के बाद मुख्य परीक्षा मेंस परीक्षा आयोजित हुई। उसके बाद 52,000 से अधिक अभ्यर्थी का चयन हुआ, यानी मेंस में रिजल्ट दिया गया 52,000 से अधिक। इसमें से लगभग 45,000 अभ्यर्थी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया। 52,000 रिजल्ट दिया था जिसमें 45,000 को टाइपिंग के लिए बुलाया गया। इसमें 80% अभ्यर्थी टाइपिंग टेस्ट में शामिल हुआ, 80% टाइपिंग में शामिल हुआ था। अब परिणाम का इंतज़ार किया जा रहा है। मतलब यह काउंसलिंग लिस्ट जो है, देखिए इसमें सीट के बारे में दिया गया है कि राजस्व कर्मचारी इतना है, पंचायत सचिव का इतना है, वन अच्छी का इतना था, इसमें दिया गया है। मतलब कहना यह था कि मतलब ये जो काउंसलिंग के लिए बुलाया जा रहा है, 25 तारीख को बहुत से कैंडिडेट ने ऑफिस में बिहार एसोसिएशन ऑफिस गए तो वहाँ ने बताया कि 2.5 गुना हम काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे। क्योंकि उसके सामने ये रखा गया था कि सर 2016 का कुछ मैटर है, इसमें बहुत से अभ्यर्थी ने फॉर्म भर दिया है जिसका एज ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो कैंडिडेट काउंसलिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर में छटेंगे जिससे कि सीट भी उतना नहीं फुल हो जाएगा, इसके वजह से वो 2.5 गुना की मांग किया था। लेकिन अब ये दैनिक जागरण में बताया गया है कि 10% ही बुलाए जाने की तैयारी किया जा रहा है। ये 10% एक्स्ट्रा बुलाएगा जिसमें से 2016 वाले डॉक्यूमेंट प्रिपेयर छटेंगे तो इससे ज़्यादा सीट खाली चला जाएगा। लेकिन ये अभी ये ऑफिशियल नोटिस नहीं, ये पेपर में दिया गया है। जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आता आप लोग इंतज़ार करें। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।